हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं लिनोवो का लैपटॉप जो कि राइजन 5 है, इसका प्रोसेसर है। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें बेस्ट है, क्या क्या चीज़ें फीचर्स हैं विंडोज 11 के साथ है, और आपको इसमें कितने का मिलेगा। हाँ, प्राइस फ्लैक्चुएट होती रहती है। सो मैं कहूँगा प्राइस को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो प्राइस मतलब कि फ्लैक्चुएट होती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसा नहीं जो मैंने रेट डाल दिया तो मे भी वही मिलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बट मैं भी रिकमेंड करूँगा कि ऑफलाइन पे लें, क्योंकि बिकॉज अगर आप कोई भी चीज़ आप बाय कर रहे हो इतनी महंगी चीज़ें, सो मे भी अगर आप बिन देखे उसे ले रहे हो, उसमें क्या फीचर्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो कि ऑफलाइन मोड पे हमें लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिनोवो का राइजन 5 लैपटॉप्स इसमें क्या बेस्ट है और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जो कि बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये इसका चार्जर है, काफ़ी बढ़िया चार्जर दिख रहा है लेनोवो का। ठीक है, इसे हम साइड रखते हैं, पहले हम अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो वाव, काफ़ी लैपटॉप बेस्ट दिख रहा है, प्रीमियम फील कर रहा है। सो इसे देखे मुझे याद आ रहा है हमारा एप्पल का लैपटॉप। सो इसका मेटेलिक है, ये चीज़ें हमारी मेटेलिक बनी हुई है। पोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक हमारा USB पोर्ट इधर दिया हुआ है, SD कार्ड्स लगाने के लिए, मेमोरी कार्ड्स लगाने के लिए है। इधर हमारा एक माइक्स या हेडफोन्स अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक HDMI के लिए दिया हुआ है, एक हमारा पोर्ट्स दिया हुआ है USB के लिए, ये पावर पोर्ट्स दिया है। पोर्ट्स ये है और इसके पीछे हमारा पोर्सेस हैं जो कि यहाँ पर से इसकी एयर्स निकल सकती हैं, और काफ़ी देखने में बढ़िया लग रहा है। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ, इसे एक आराम से इसे ओपन करना है। ओपन करते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वाह, काफ़ी फास्ट तरीके से ये ओपन हुआ है, बहुत जल्दी ये ओपन हुआ है। तो ये बहुत तेज़ी की भी इसमें राइजन का 5 प्रोसेसर है, क्वाड कोर के साथ है और SSD के साथ है, तो काफ़ी तेज़ी अच्छा लैपटॉप है। यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है, हम लोग कैमरा भी देख लेते हैं और इसकी टेस्टिंग देखिए। यहाँ पर जितने भी कीज हैं, सो मैं आपको की पास करके दिखाना चाहूँगा। सो यहाँ पर इसके कीज़ दिए हुए हैं, इस सारे कीज़ में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसके ऑडियो को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं, इस ऑडियो को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर की पे भी दिया हुआ है। यहाँ पर माइक अटैचमेंट के लिए, यहाँ पर इस सारे बटन से ही हमारा पूरा डेस्कटॉप या PC हमारा कंट्रोल है। यहाँ पर हम इसकी कॉन्ट्रास्ट यानी इसको कम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पर सारे सेटिंग्स, स्क्रीनशॉट के लिए भी है, डिलीट के लिए, और न्यूमेरिक क्यू भी साथ में दे रखा है, माउस भी है, यहाँ पर लेफ़्ट बटन है, राइट बटन है। तो इसे आप सब इसमें आराम से इंटेलिजेंट आइडिया भी चला सकते हैं, कोडिंग का है, आप इसमें आराम से कोडिंग कर सकते हैं, बहुत ही स्मूथ की है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें फंक्शन की दे रखा है, फंक्शन की से आप इसे लाइट ओपन कर सकते हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट ओपन हो जाएगी अगर आप अंधेरे में काम कर रहे हैं। सो मुझे काफ़ी बेस्ट लगा ये लैपटॉप, अच्छा है, सिर्फ बेस्ट फीचर्स है इसमें गेमिंग पर्पज़ के लिए, कोडिंग पर्पज़ के लिए, और वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो आप यहाँ पर से इसको शट डाउन भी कर सकते हैं, आराम से ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। सो गाइस, मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इस लैपटॉप्स में यहाँ फंक्शन की के साथ आप इसे इसकी लाइट ओपन कर सकते हैं, ये देखिए, अगर आप अंधेरे पे काम कर रहे हो तो इसकी लाइट ओपन कर सकते हैं, यहाँ की पे लाइट जलने लगेगी। ठीक है, आप इसे बंद कर सकते हैं, और इसके कुछ इसमें न्यूमेरिक क्यू भी दी हुई है, यहाँ पर माउस है, यहाँ पर भी बटन है। इस लैपटॉप की बात करें तो काफ़ी बेस्ट लैपटॉप था, और ये सही मायने में ये लैपटॉप स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। सो आप इसे परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।